Hello everyone, namaste, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and safe as well. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट भी. अच्छा, टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है. बट बिफोर आई गेट इन टू द मेन वीडियो, कुछ बातें मैं कहना चाहती हूँ. सबसे पहले तो एज यू कैन सी मैंने अपने बाल छोटे कर दिए हैं, ठीक है. एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं खोल के दिखाऊंगी कि हाउ डज इट लुक. तो जी हाँ, कल शाम के टाइम पे मैंने एक वीडियो छोड़ा था ऑन यूट्यूब, एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने कुछ बातें शेयर की थी और ये भी कहा था कि मैं हेयर कट करवाने वाली हूँ. तो आज है 9th of December 2021 और आज क्या बोल रही हूँ, हाँ आज मेरा हेयर कट जो है वो हो गया है, ठीक है. मैं कल शाम को गई थी करवाने, हो गया है हेयर कट. तो आज मैं इन लिपस्टिक्स को लेके बात करने वाली हूँ, इलेक्ट्रीन के न्यूली लॉन्च्ड लिपस्टिक्स को लेके. बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कह लूँ. वो ये है कि कल मैंने अपने वीडियो में कुछ लोगों को दिल से शुक्रिया दिया था, शुक्रिया अदा किया था उनका, मतलब उनके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए आई एम रियली थैंकफुल. तो वही बताया था मैंने कल के वीडियो में, उनका नाम मेंशन किया था. लेकिन बाद में मुझे याद आया, कल रात को याद आया कि मैं तीन लोगों का नाम बोलना भूल ही गई, ठीक है. एक्चुअली उन तीनों में से दो लोगों के साथ मेरी नई नई दोस्ती हुई है ऑन यूट्यूब, लेकिन वे भी मेरे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं. सो आई एम रियली सॉरी, मैं उनका नाम मेंशन करना कल भूल गई. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज कर देती हूँ उनका नाम मेंशन. तो तीनों में से सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगी खुशी का. शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोल, वेरी स्वीट गर्ल. बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, मुझे बहुत अच्छा लगता है. उनका नाम जैसे खुशी है ना, उनका कैरेक्टर भी वैसा ही है. क्यों, मतलब हमेशा वो स्माइल करती रहती हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करती हैं और खुद को भी खुश रखने की कोशिश करती हैं. दैट्स शुड बी द स्पिरिट एक्चुअली. तो खुशी, आई एम रियली सॉरी डियर. उनका भी एक चैनल है खुशी पिंको लाइफ स्टाइल, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं. शी ऑल्सो मेक्स अमेजिंग वीडियोज, बहुत अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल्स भी वो शेयर करती हैं. सो प्लीज़ डू चेक हर चैनल खुशी पिंको लाइफ स्टाइल. और वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है मेरी उनसे, और पिछले 1.5 साल से 1 साल से मेरी दोस्ती है उनके साथ. बातें होती हैं कभी व्हाट्सएप पे, कभी इंस्टाग्राम पे. और नहीं, मतलब अभी रिसेंटली शी हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी, मतलब उनका सेकेंड बेबी है. पर फिर भी बेबी तो बेबी होता है ना, माँ के लिए चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो. तो आई कंग्रेचुलेट यू खुशी, आई हैव ऑलरेडी कंग्रेचुलेटेड हर ऑन इंस्टाग्राम. तो फिर से आपको ऑन कैमरा कंग्रेचुलेट कर दिया. एन्जॉय योर मदरहुड. अभी वो शायद वीडियोज नहीं डाल पा रही हैं, बट बहुत जल्द डालेंगी. सो या थैंक यू खुशी, एंड आई एम रियली सॉरी आपका नाम मैं कल मैंशन नहीं कर पाई इन द सेंस, मैं ना श्रेयसी की बात करते करते, मेरी बहन की बात करते करते मैं इतना इमोशनल हो गई थी, मैं भूल ही गई थी. आई एम रियली सॉरी. अब जो दो लोग हैं उनमें से एक का नाम है, मतलब उनके चैनल का नाम है बी सैसी. सो शी इज ऑल्सो अ वेरी प्रिटी गुड सोल, शी ऑल्सो लव्स मी. और जब भी मैं उनके चैनल पे, उनके वीडियोज पे कमेंट करती हूँ ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है. उन्होंने भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया है. वो भी मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोज पे मैसेज करती हैं. सो सॉरी मैंने आपका नाम कल मेंशन नहीं किया, बट आई रियली लाइक यू, आई रियली थिंक यू अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. ओके, सो सॉरी. और एक और है, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगी. उनका नाम है शरोनिका गंगोपाध्याय. उनका भी एक चैनल है इसी नाम से. वो भी बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग वीडियोज बनाती हैं, बहुत ही अच्छा मेकअप करती हैं वो. डू चेक हर चैनल. और थैंक्स शरोनिका फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर ड्रॉपिंग नाइस कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माई वीडियो. सो कल मैंशन नहीं कर पाई मैं तुम्हारा नाम, कल के तुम्हारा नाम मैंशन करते पा रही नहीं, तार जो आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. सो या, कल मैंने कुछ लोगों का नाम मैंशन किया था और आज कुछ लोगों का नाम मैंशन किया. तो ये मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, माई क्लोज वंस. ये भी मेरे लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं. और अब ये भी काफ़ी हद तक मेरे लाइफ में मेरे अपने हो गए हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स ही हो गए हैं ये सब. स्पेशली श्रेयसी, वो तो मेरी छोटी बहन है. तो या बस यही कहना था, इसमें 5 मिनट बीत गया. आई एम रियली सॉरी. जिन लोगों को मेरा बकबक करना पसंद है उनको अच्छा लगेगा, पर कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो उनके लिए कान तो नहीं पकड़ सकती, बट आई एम रियली सॉरी. बट ये मुझे बोलना था. और बाय द वे, आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं इन लिपस्टिक्स के बारे में इन डेप्थ, इन डिटेल में बात करने वाली हूँ. क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं इनके ऊपर एक फर्स्ट इंप्रेशन सॉर्ट ऑफ वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगी, ठीक है. तो
ये मैंने रिसीव किया कुछ एक हफ्ते पहले, एक हफ्ता नहीं 10 दिन पहले मैंने लिपस्टिक्स को रिसीव किया। ये न्यूली लॉन्च्ड लिक्विड लिपस्टिक्स हैं L18 के। नाउ हु डजंट नो अबाउट L18, है ना? L18 हम सभी जानते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, और अभी तो उन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। अफोर्डेबल इंडियन ब्रांड है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये, तो आई लव L18 एंड हु डजंट, है ना? लेकिन L18 इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स, लेकिन इस बार लिक्विड लिपस्टिक्स ने इनका, मतलब इनके लिक्विड लिपस्टिक्स ने मुझे काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट किया। यस, तो वो क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। तो बहुत सारे शेड्स उन्होंने लॉन्च किया है, आई थिंक 10 और 12 शेड्स, आई एम नॉट श्योर। तो मेरे पास उन सारे ही शेड्स में से ये 4 शेड्स हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इनके आउटर पैकेजिंग के बारे में। तो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग ऑफ द लिपस्टिक लुक्स लाइक। वो टिपिकल L18 की जो ग्राफिटी गर्ल है वो है यहाँ पे, यहाँ पे L18 लिखा हुआ है, फ्रंट कैमरा है इसलिए आपको उल्टा दिख रहा है, और पीछे शेड्स के जो नेम्स वगैरह हैं वो यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो आउटर पैकेजिंग इज गुड। ईच लिपस्टिक का प्राइस है ₹120, सो ₹120 में आप इससे ज़्यादा कुछ मतलब स्टडी पैकेजिंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, है ना? तो पैकेजिंग, द आउटर पैकेजिंग इज गुड, द प्लास्टिक इज स्टडी। तो आउटर पैकेजिंग अच्छी लगी, और लैक्मे के जो वो लिपस्टिक्स आते हैं ना, फॉर एब्सोल्यूट फॉरएवर मैच बोल के कुछ, उनके जैसा थोड़ा सा दिखता है ये लिपस्टिक्स, उन लिपस्टिक्स के जैसे दिखते हैं ये लिपस्टिक्स, हाँ। और आउटर पैकेजिंग इज गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स फर्स्ट, ठीक है? तो कॉन सबसे पहले मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि इन लिपस्टिक्स का कोई आउटर पैकेजिंग नहीं है, मतलब कार्डबोर्ड पैकेजिंग तो छोड़ ही दीजिए, 120 में कार्डबोर्ड पैकेजिंग एक्सपेक्ट करना भी आई थिंक सही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक प्लास्टिक रैप वे चिपका सकते थे बॉटल पे, वो उन्होंने नहीं किया। इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने क्या किया, ये जो लेबल होता है ना, प्राइस टैग, प्राइस लेबल, लेबल कुछ भी बोलो, ये यहाँ पे चिपकी हुई थी, मतलब ये अगर यहाँ पे चिपकी हुई है तो वन कैन नॉट ओपन द बॉटल। इसी से आपको पता चलेगा, मतलब समझना पड़ेगा कि ये मतलब बॉटल नया है या नहीं, सील्ड है या अनसील्ड है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे बहुत ही सही नहीं लगी। मैंने सारे जो बॉटल्स हैं उनके प्राइस लेबल्स जो हैं टैग्स हटा दिए, सिर्फ एक का रख दिया, आप जस्ट टू शो यू पीपल, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो प्राइस है और यू नो शेल्फ लाइफ है, सब कुछ सारे डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो सब सही है, लेकिन जहाँ पे मैंने लगा के रखा है अभी, वहाँ लगा सकते थे और इसके ऊपर एक अलग से प्लास्टिक रैप दे सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसी को इसके ऊपर लगा दिया, उसी से आपको समझना पड़ेगा कि सील्ड है या अनसील्ड। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखिए, आई होप यू कैन सी, यहाँ पे गम का स्टेन हो गया है, जब आप इसको निकालोगे यहाँ से तो देखिए गम का स्टेन हो गया है, जो कि निकलेगा नहीं, ओके? निकल नहीं रहा है ये आसानी से यहाँ से, मैंने स्पिरिट सैनिटाइजर सब कुछ डाल के इसको रिमूव करने की कोशिश की, बट इट्स नॉट गोइंग, सो इट्स वेरी अनॉइंग, हाथ में चिपक रहा है, मेरे मेकअप पाउच के अंदर चिपक जा रहा है, तो इट्स इरिटेटिंग यार। तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और अगला जो कॉन है वो मैं बताती हूँ, वो है इसका एप्लीकेटर, ओके? इसका एप्लीकेटर मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, लेकिन इसके ब्रिसल्स जो है ना, जो स्पंजी स्टफ होते हैं वैंड का, जो सब लगाते हो मेनली, तो दैट इज वेरी हार्श, वेरी रफ, इट लिटरली हर्ट्स द लिप्स, ठीक है? तो मुझे ये एप्लीकेटर का जो मतलब दिखने में कैसा है, मैं इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पंजी पार्टिकल्स, एक्चुअली दे आर वेरी रफ, दे लुक लाइक स्पंजी पार्टिकल्स बट दे आर नॉट, और बहुत ही हार्श है, बहुत ही रफ है, जब आप लिप्स पे अप्लाई करते हो तो लिटरली मतलब इट लिटरली हर्ट्स द लिप्स, विच आई डिड नॉट लाइक अट ऑल। और थर्ड कॉन जो मुझे नजर आया, द थर्ड कॉन विच आई हैव नोटिस्ड, वो ये है कि इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा, मैं फ्रेग्रेंस नहीं बोलूंगी, आई वुड से स्मेल, क्योंकि मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आया। वो जो टिपिकल L18 के लिपस्टिक्स का जो स्मेल होता है ना, वही स्मेल है, लेकिन बुलेट में भी है, इसलिए मुझे L18 के बुलेट लिपस्टिक्स उस स्मेल की वजह से ही पसंद नहीं आते हैं। तो वही सेम स्मेल यहाँ भी है, लेकिन क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है इसलिए स्मेल और भी थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, थोड़ा अजीब ढंग से आ रहा है। तो आई डिडंट लाइक द स्मेल एट ऑल, इट्स वेरी अनॉइंग, वेरी लाउड, द स्मेल इज वेरी लाउड, वेरी अनॉइंग। इफ यू हैव प्रॉब्लम विथ स्मेल, कुछ लोग होते हैं जिनको मेकअप प्रोडक्ट्स में अगर लाउड स्मेल हो तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप उन लोगों में से हो देन आई वुड सजेस्ट कि आप खरीदने से पहले एक सेकेंड थॉट दे लें, ओके? गिव इट अ सेकेंड थॉट बिफोर यू परचेज। सो या, और
एक और कौन है वो ये है कि ये लिपस्टिक्स जो है दे के नॉट स्टैंड हेवी मील. ऐसे बहुत लिपस्टिक्स के साथ ही होता है, दैट इज नॉट एक्चुअली अ कॉन. लेकिन कॉन जो मुझे नजर आई एक और वो ये है, द फोर्थ वन इज ये देखिए, ये सबसे मेरे पास जो है इनमें से ये चारों में से ये सबसे डार्क कलर है. इसका इस शेड का नाम है बार्न रेड. आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, BARN बार्न, आई थिंक बार्न रेड. एक रेड कलर है बेसिकली, ये एक डीप रेडिश पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है. तो कौन ये है कि डार्क कलर्स आर सपोज टू कवर, ओके, डार्क कलर्ड लिपस्टिक्स आर सपोज टू कवर पिगमेंटेड लिप्स नाइसली, है ना. नॉट ओनली पिगमेंटेड लिप्स, डार्क कलर्स आर सपोज टू कवर द लिप्स प्रॉपरली. और अगर पिगमेंटेड लिप्स हो तो वैसे लोग और भी डार्क, मतलब अगर जिनका जिनके लिप्स पिगमेंटेड हैं वे डार्क कलर्स और भी ज़्यादा यूज करते हैं ताकि उनके पिगमेंटेड लिप्स दिखे ना, राइट. जैसे कि मेरे स्किन का टोन अनइवन है, ठीक है. द लोअर वन इज हाफ रोजी हाफ डार्क, द अपर वन इज क्वाइट डार्क. तो मेरे लिप्स का जो टोन है वो अनइवन है, हाफ रोजी हाफ डार्क ऐसा. तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे डार्क लिपस्टिक्स तो छोड़ ही दो, ऐसे बहुत सारे न्यूड लिपस्टिक्स हैं जो मेरे लिप्स को बहुत ही अच्छे से कवर्ड अप करते हैं, मेरे पिगमेंटेड लिप्स को बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं. लेकिन ये एक डार्क कलर होने के बावजूद, मतलब एक डार्क कलर होने के बावजूद, एक सेकेंड सॉरी, ये डार्क कलर होने के बावजूद मेरे पिगमेंटेड लिप्स को कवर नहीं करता, एंड दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग. दिस इज अ डार्क कलर इंस्टेड ऑफ दैट, क्या बोलूँ मैं, बोलने के लिए कोई भाषा नहीं है मेरे पास. मतलब एलेटिन से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट इट हैज़ डिसअपॉइंटेड मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. जी हाँ, लाइट कलर्स की बात तो आप छोड़ ही दो, जब डार्क कलर्स ही पूरे पिगमेंटेड लिप्स को कवर नहीं कर रहे हैं तो मैं लाइट कलर से क्या एक्सपेक्टेशन रखूँ. ये जो डार्क कलर के लिपस्टिक्स हैं ना, इनको 3 swipe लगाया मैंने, तब जाके मुझे एक ओवरऑल सा एक यू नो क्या बोलूँ, एक मतलब इन डार्क लिपस्टिक्स क्या बोल रही हूँ मैं, एक सेकेंड. हाँ, तो जो मैं बोल रही थी, मैं बीच में थोड़ा सा रैम्बल कर रही थी, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था. बाहर दरवाजे के बाहर आवाज़ आ रही थी किसी के आने जाने की, तो मुझे लगा कि शायद मेरे घर में कोई आया है या आने वाला है, बेल का जो मतलब बेल जो है बजाने वाला है, इसलिए मेरा ध्यान ना वहाँ चला गया था. तो इसीलिए माइंड थोड़ा सा, मतलब आई स्टार्टेड रैम्बलिंग बिकॉज मेरा ध्यान वहां चला गया था, एक्सट्रीमली सॉरी. मैं जो बोलना चाहती हूँ वो ये है कि एलेटिन के लिपस्टिक्स ने मुझे हाईली डिसअपॉइंट किया है. डार्क कलर्स भी लिप्स को कवर अप नहीं करते हैं. एक स्वाइप तो छोड़ दीजिए, 3 swipes लगाने के बाद, 3 coat लगाने के बाद, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत जो है एक मेरे लिप्स जो है थोड़े से कवर्ड अप हुए, मेरे लिप्स की पिगमेंटेशन जो है थोड़े से कवर्ड अप हुए. तो मैं आपको कलर अब फटाफट से दिखा देती हूँ. ये है बार्न रेड, ये एक डीप डार्क कलर है, ये एक रेडिश पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है. ये देखिए, ये एक रेडिश पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है, बार्न रेड. इस और एक कॉन नजर आया मुझे, वो ये है कि इन लिपस्टिक्स को लगाने के बाद जब ये सूख गए तो मैंने ऐसे स्ट्रेच करके, देखिए अभी भी मैंने एक लोटस का लिपस्टिक लगा के रखा है, एज यू कैन सी मैं ऐसा कर रही हूं तो सिर्फ लिपस्टिक ही नजर आ रहा है ना, मेरे लिप्स नजर नहीं आ रहे अंदर से, है ना. लेकिन जब इसको लगा के इसके सूखने के बाद मैंने ऐसे मेरे लिप्स स्ट्रेच किए तो लिटरली मेरे लिप्स अंदर से बाहर दिख रहे थे. व्हाट सॉर्ट ऑफ कलर इज दिस, बताइए आप ही. लिपस्टिक्स लगाने के बाद, स्पेशली डार्क कलर्स लगाने के बाद, लिप्स पूरी तरह से ढक जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं. और जब आप हंसते हो बात करते हो तो सिर्फ आपके लिपस्टिक का कलर लिप्स के ऊपर नजर आता है, ना ही लिप्स. लेकिन जब लिप्स अंदर से बाहर दिखे, जब आप स्ट्रेच कर रहे हो ऐसे लिप्स को, तो उस लिपस्टिक के बारे में मैं कैसे अच्छी बातें कहूँ, बताइए. और इस लिपस्टिक को लगा के, इस वाले को लगाया था मैंने, लगा के मैंने चाय पिया था, पानी पिया था, मैंने पानी पी थी, देन हल्का स्नैक्स खाया था, तो अंदर से पूरा हट गया था, सिर्फ आउटर एजेस में, आउटर कॉर्नर्स में सिर्फ थे, अदरवाइज अंदर से पूरा हट गया था, पूरा. मतलब इट के नॉट स्टैंड हेवी मील, आई एम टेलिंग यू. मतलब लाइट स्नैक ही जब ये नहीं कर पा रहा है टॉयलेट, तो टॉयलेट नहीं, मतलब वेन इट के नॉट स्टैंड लाइट स्नैक्स, देन हेवी मील कैसे ये यू नो सहन करेंगे. तो ये है बार्न रेड, द कलर इज वेरी नाइस, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द स्मेल, विद द पैकेजिंग, विद द वे इट वर्क्स, एवरीथिंग. तो अगला जो शेड है वो है पिंक ब्लॉसम. शेड्स सारे ही अच्छे हैं बट ये एक डीप पिंक कलर है, डीप पिंक कलर है ये. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कलर्स. ये थोड़ा सा डीप डार्क रेडिश पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है, मेनली रेड है लेकिन पिंक का टच है, और ये एक
यू नो डीप पिंक कलर है। ठीक है, तो या और नाउ दो डार्क कलर्स हैं मेरे पास और दो लाइट कलर्स। ठीक है, अब दो लाइट कलर्स में से ये वाला मैं पहले दिखा दूं, इसका नाम है न्यूड पम्प्स। तो पहले मैंने दिखाया था बार्न रेड, उसके बाद दिखाया पिंक ब्लॉसम, नाउ आई एम गोना शो न्यूड पम्प्स और न्यूड पम्प्स। ये एक पिंकिश न्यूड कलर है, लेकिन ये मुझ पर सूट नहीं कर रहा है। द कलर लुक्स वेरी नाइस ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, बट वेन आई अप्लाइड इट मेरे लिप्स पे, जब मैंने इसको अप्लाई किया, इट डिड वॉश मी ऑफ। वॉश ऑफ नहीं किया इसने मुझे, लेकिन सूट भी नहीं हो रहा था मुझे। ठीक है, आई एम NC35 मैक में, तो मुझे लगा था कि ये मुझे सूट करेगा, बट आई वॉज रॉन्ग। इसने मुझे वॉश ऑफ तो नहीं किया, पर ये सूट भी नहीं हो रहा था मुझे। तो या नाउ द लास्ट वन इज दिस वन। आउट ऑफ ऑल दीज फोर कलर्स, मुझे ये वाला कलर थोड़ा सा पसंद आया। ये एक पर्पल पिंक मॉव सब मिलाया हुआ एक शेड है। इसका नाम है लीला गैलेक्सी और लाइलैक गैलेक्सी, और मुझे चारों में से ये बहुत पसंद आया। एटलीस्ट ये मेरे लिप्स पे थोड़ा सही लग रहा था देखने में, थोड़ा सा मेबलिन के लाइवली वायलेट के साथ मिलता जुलता है, बट ये थोड़ा सा डार्क है। इसी को मैंने लगाया था, लगा के टी स्नैक्स खाया था, बट टी चाय पी थी, स्नैक्स खाया था, तो ये अंदर से पूरा हट गया था। बट चारों में से इसका कलर अच्छा है, मुझे सूट कर रहा था, और मुझे पिंक डार्क में पिंक ब्लॉसम अच्छा लगा, और लाइट कलर में ये वाला अच्छा लगा, लीला गैलेक्सी। ये मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आया। आई एम प्लानिंग टू गिव दिस टू समवन एल्स, और जो मुझसे भी तीन शेड फेयरर हो। और ये कलर अच्छा है, बट इसको लगाने से जब मैं लिप्स को ना स्ट्रेच कर रही थी, अंदर से मेरे लिप्स बाहर उभर के आ रहे थे। तो या अगर आप बिगिनर हो, अगर आप मेकअप में लिपस्टिक्स की दुनिया में अगर आपने अपना कदम रखा है, तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दीज कलर्स। लेकिन अगर आप अच्छा खासा लिपस्टिक लगाते हो, लिपस्टिक जानकी हो, डेली लगाते हो, देन आई वुड से कि सोच समझ के परचेज कीजिए। एक परचेज करके देखिए, अगर अच्छा लगे देन गो फॉर द अदर कलर्स, लेकिन सारे ही कलर्स एक साथ मत ले लीजिए। गलती मत कीजिए मेरी तरह, लेकिन सोच के मैंने इतने सारे चारों एक साथ ले लिए, नाउ क्या बोलूं, मैं रिपेंट भी नहीं कर सकती। बाय द वे, इनमें से कोई भी मैंने अभी लगा के नहीं रखा है। मैंने एक लोटस का लिपस्टिक लगाया है, और उसके साथ थोड़ा सा शुगर का भी एक लिपस्टिक है, दोनों को मिला के लगाया है। आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विथ लिप कलर्स। तो या ये था मेरा एक ऑनेस्ट बड़ा वाला रिव्यू वीडियो ऑन द न्यूली लॉन्च्ड L18 लिक्विड लिपस्टिक्स। ठीक है, ये पैकेजिंग अगर थोड़ा सा और इम्प्रूव करें ये, और शेड में अगर थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट करके शेड को अगर थोड़ा सा और इम्प्रूव करें ये, तो ये लिपस्टिक्स अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, ये मैं इनको खराब नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उतने अच्छे भी नहीं है। इनको पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगा अपना। ये लेबल यहाँ ना देके यहाँ दो, और एक प्लास्टिक रैप दो आप, और वैन जो है उसको थोड़ा स्मूथ बनाओ, और टेक्सचर को थोड़ा सा और डार्क बनाओ, थोड़ा सा और थिक बनाओ, ताकि लिप्स को अच्छे से कवर अप करे। और स्मेल जो है या तो उसे कम करो, नहीं तो स्मेल को हटा ही दो, बिकॉज द स्मेल इज वेरी अनोइंग, वेरी 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 अनोइंग। सो ये था मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू ऑन द न्यूली लॉन्च L18 लिक्विड लिपस्टिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड एज आई सेड बिफोर प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट माइंड, एंड प्लीज डोंट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग मी। सो ये हैं सारे ही शेड्स, एक बार फिर से बोल दूं, पिंक ब्लॉसम, बार्न रेड, न्यूड पम्प्स, और लिलैक और लाइलैक गैलेक्सी। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और हाँ, मैं अपने बाल दिखा दूं, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं भूल गई थी, हाँ तो सोचा कि दिखा दूं, मैंने बाल काफी छोटे कर दिए। एक्चुअली आई लव लॉन्ग हेयर, बट लॉन्ग हेयर ना मेंटेन करना प्रॉब्लम होता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा स्मॉल हेयर स्टाइल ट्राई करके देखूं। जब मैं सेवन स्टैंडर्ड में थी, तब मेरे बाल इतने ही हाइट के हुआ करते थे, इनफैक्ट इससे भी छोटे हुआ करते थे। कल जब उन्होंने कट करके शेप कर दिया, मतलब सेट कर दिया था, नॉट शेप, सेट कर दिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी भी अच्छा लग रहा है, बट मैंने कंघी नहीं की है, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट छोटे बाल में आई कैन डू स्टाइल थोड़ा सा। ऐसे मैं बहुत ज्यादा स्टाइल तो नहीं करती, पर हाँ थोड़ा बहुत करना मुझे पसंद है। बहुत ज्यादा स्टाइल पसंद नहीं है, लेकिन एकदम भी स्टाइल नहीं करती है, अच्छी बच्ची है, वैसे भी मैं नहीं हूँ। थोड़ा सा स्टाइल करना तो बनता है ना, अपने आप को ही देखी जा रही हूँ। तो ठीक है, ये है मेरा न्यू हेयर कट।
और लेयर्स करवाया है मैंने, और सामने थोड़ा सा साइड फ्रिंज है, साइड नहीं दोनों तरफ ही है। और ये थे सारे शेड्स। तो चलिए आज के लिए बाय-बाय, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पीपल आर गोना क्रिटिसाइज मी आई थिंक। बाय-बाय, आई सी यू सुपर सून विद माय नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन बाय-बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, ट्राई टू बी एट होम। बाय-बाय।